हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वेब वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से आप सी पैनल में अपने वर्डप्रेस वेबसाइट जो है इंस्टॉल कर सकते हो। सी पैनल यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ होस्टगेटर का लिनक्स होस्टिंग, जो कि काफी अच्छा है, काफी अच्छा स्पीड इसमें आपको देता है और काफी ईजी इंटरफेस है, कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ होस्टगेटर की अनलिमिटेड होस्टिंग। इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक में। तो उसके लिए आपको नीचे आ जाना है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक ग्रुप बना हुआ है सॉफ्टक्लोज एप्स इंस्टॉलर का। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स है सारी एप्स के, जहाँ से आप एक ही क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो अपनी कोई भी वेबसाइट लिनक्स शेयर होस्टिंग में। सो हमें जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा वर्डप्रेस का। इसमें आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप वर्डप्रेस का वर्जन चूज कर सकते हैं। आपको मालूम ही होगा रिसेंटली वर्डप्रेस का जो अपडेट आया था, तो लेटेस्ट जो चल रहा है अभी 5.1.1 चल रहा है। आप ओल्ड इंटरफेस भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो अभी मैं यहाँ पे लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करने वाला हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोटोकॉल चूज करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप HTTP यूज कर सकते हो या HTTPS या फिर HTTP://www, जिस तरह से आप चाहते हो कि आपका डोमेन दिखे, जैसे ही कोई व्यूअर उस पर जाए तो वो ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट बाय किया है तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। तो मेरी साइट पे SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यूज करने वाला हूँ। तो मेरा डोमेन जो है फिर www. और उसके बाद डोमेन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी एक डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जैसे मैं ये वाला एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सेम टाइम आपको दिखा देगा कि इस पे SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल है इस डोमेन पे या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डायरेक्टरी का। तो डायरेक्टरी अगर आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे कोई भी आप नेम डालते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी लिनक्स होस्टिंग में एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे होम सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो डोमेन नेम है स्लैंट होम, ऐसे करके मेरा होम पेज खुलेगा। तो वो आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी एक क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आपके वेबसाइट का सारा मटेरियल रहेगा। तो अगर आपको चाहिए कि जैसे ही व्यूअर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे तो ओनली डोमेन आना चाहिए, तो उसके लिए आपको इसे ब्लैंक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइट नेम चूज कर सकते हो। और अपनी साइट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैं अभी यहाँ पे सिंपली एक वर्ड लिखता हूँ, उसके बाद में मैं इसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके बाद आपको इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडमिन अकाउंट। तो इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यूजर नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो इजिली गैस ना हो सके, ओनली आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से आपकी जो साइट जो है वो हैक भी हो सकती है। और पासवर्ड भी आपको ऐसा स्ट्रांग यूज करना है जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और स्पेशल कैरेक्टर हो, साथ ही नंबर्स हो, जिससे कि कोई भी इजीली आपका पासवर्ड गैस ना कर सके। तो ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ईमेल, जहाँ पे आपका वेबसाइट का डिटेल्स या कुछ भी, जैसे कोई सब्सक्राइब करता है या कोई भी न्यू कमेंट आता है तो वो नोटिफिकेशन आपको वर्डप्रेस सेंड करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल रजिस्टर करना है। और दूसरी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज चूज करने का। कौन सी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट होने वाली है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक प्लगइन लिमिट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप चूज कर सकते हो अगर कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है या फिर गलत पासवर्ड डाल के अगेन एंड अगेन लॉगिन करने की ट्राई करता है, तो कुछ देर के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, वो तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हो।
उसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए मैं इस चीज़ को हाइड कर रहा हूँ। तो एडमिन नेम और यूजर पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो सिंगल क्लिक से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, ये बोल रहा है ऑलरेडी मेरा इस पे इंस्टॉलेशन था पहले, तो मैं यहाँ पे ओवरराइट कर देता हूँ उसे और कस्टम इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो सकता है और इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ये इंस्टॉल हो चुका है लिनक्स होस्टिंग पे। यहाँ पे आपका डोमेन एड्रेस है और लॉगिन के लिए एडमिन यूजर पैनल जो है आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप इजीली अपना वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो लिनक्स होस्टिंग में बिल्कुल सिंपल स्टेप फॉलो करके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसे शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।